morning, sir. Am I audible? गौरव से स्टार्ट कर सकते हैं सर. Am I audible, sir? Hello? Hello? Sir, I'm audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सर. Okay. Hello? सर काइंडली स्टार्ट सर. नहीं रहेगा तो डिलीट करके दे दे उसको. यस सर. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द लिस्टनर्स हु आर लिस्टिंग टू दिस वीडियो. आई एम गौरव सर, अ ट्रेनिंग ऑफिसर एट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन मोहाली. पीओटी के प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के एक और मॉड्यूल में आप सभी का स्वागत है. आज के इस सेशन में हम बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानेंगे. जैसा कि हम सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो अगर हमने अपने करियर में सक्सेस होना है तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए. हमने अच्छी टीचिंग करनी है, हमने अच्छी ट्रेनिंग देनी है, अगेन हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए. तो आज इन कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो फर्स्टली व्हाट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इट रिक्वायर एटलीस्ट टू पर्संस एंड वन मीडियम और चैनल. कम्युनिकेशन है बेसिकली अपने इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन. जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अपने इंफॉर्मेशन आप लोगों तक ट्रांसफर कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. नेचुरल है कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो लोग होने चाहिए, दो डिवाइस होने चाहिए और देयर शुड बी ए वन चैनल. चैनल मीन्स माध्यम जिसके द्वारा हमारा जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगी. ये कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस है. यहां हम देख सकते हैं एक सेंडर है. हु इज द सेंडर? द पर्सन इनिशिएटिंग द कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग द मैसेज. तो जो पर्सन इंफॉर्मेशन सेंड करना चाह रहा है, जो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाह रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेंडर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. देन देयर इज मैसेज. द स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्ड्स, जेस्चर्स, इमेजेस द सेंडर यूज टू कन्वे व्हाट ही और शी वांट टू से. तो जो इंफॉर्मेशन सेंडर एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाह रहा है, इट मे बी ए स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्ड्स. कोई लैंग्वेज हो सकती है, जेस्चर्स हो सकते हैं, कोई इमेजेस हो सकती हैं, वीडियो हो सकती हैं, या फिर कुछ और. दैट इज कॉल्ड द मैसेज. देन चैनल. चैनल बेसिकली एक माध्यम है जिसके द्वारा सेंडर का मैसेज रिसीवर तक पहुंचेगा. तो चैनल है. इट मे बी ए वायर्ड चैनल और इट मे बी ए वायरलेस. तो जैसा मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, तो इस केस में हमारा जो चैनल है वो वायरलेस है. विदाउट वायर्स वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर. अगर हम टेलीफोन्स की बात करें, लैंडलाइन टेलीफोन की बात करें, तो वहां पे जो हमारा चैनल है, दैट इज द वायर्ड चैनल, बिकॉज हमारा जो मैसेज है वो वायर्स के थ्रू ट्रैवल करता है. एंड देन रिसीवर. द रिसीवर इज द बेसिकली अनदर पर्सन हु इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर. एंड आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, द रिसीवर सेंड्स ए फीडबैक टू द सेंडर. एंड व्हाट इज फीडबैक? Feedback is nothing but it is a simply response from the receiver to the sender. तो receiver sender को बता रहा है कि जो information, जो message उसने भेजा है, वो receiver को मिला है या नहीं मिला.
So that is the complete communication process. And one more important thing, it is not necessary कि जो communication है वो सिर्फ दो persons के बीच ही हो, दो humans के बीच ही हो. The communication it also do in the machines. Like हम computer से एक command दे रहे हैं print करने के लिए. तो हमने computer से printing की command दी, then वो channel के through, wire के through. अगर वाईफाई है तो नेचुरल है वायरलेस है. फिर वो प्रिंटर तक पहुंची, प्रिंटर ने उस कमांड को एक्सेप्ट किया और उसके बाद हमें आउटपुट के तौर पे प्रिंट निकाल के दे दिया. सो दैट मींस कम्युनिकेशन इज आल्सो डन इन द मशीन्स. तो अगर हम हमारे क्लासरूम की बात करें, अवर क्लासरूम इज आल्सो एक्ट एज कम्युनिकेशन प्रोसेस. यहाँ पे हमारा जो इंस्ट्रक्टर है, द इंस्ट्रक्टर प्ले द रोल ऑफ सेंटर. जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, स्किल है, अपने ट्रेनीज को देना चाह रहा है. द मैसेज इज द स्किल नॉलेज ऑफ द इंस्ट्रक्टर. द ट्रेनीज दे आर एक्ट एज ए रिसीवर, जो उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को रिसीव कर रहे हैं. देन फीडबैक इज द रिस्पॉन्स ऑफ दिस ट्रेनीज. हमारा जो क्लासरूम है, इट इज आल्सो ए कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो हमारी ट्रेनिंग के लिए, अच्छी टीचिंग के लिए इस कम्युनिकेशन प्रोसेस का अच्छा होना बहुत जरूरी है. अगर हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन अच्छा है तो नो डाउट हमारी टीचिंग है, ट्रेनिंग है, बहुत इफेक्टिव रहेगी. और अगर हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, वहाँ पे कहीं ना कहीं गैप है, अदर इन द चैनल और अदर इन द फीडबैक फ्रॉम द ट्रेनीज, तो हमारी जो टीचिंग है, ट्रेनिंग है, वो अच्छी नहीं हो सकती. Then there are classification of communication. There are various types of communication, like one-way communication, two-way communication, verbal communication, non-verbal communication. इसके अलावा भी communication की और बहुत सारी types हैं, जैसे mass communication, intrapersonal communication, organizational communication, grapevine communication. But we will not go into that much detail. Now, what is one-way communication? The one-way communication means जो communication सिर्फ एक ही direction में travel करता है. The one-way communication flows from a sender to a receiver, but nothing goes back in return. The sender can use one-way communication for giving information only. जो हमारा one-way communication है, वो सिर्फ एक ही direction में flow करता है. सिर्फ सेंडर से रिसीवर तक, रिसीवर से कोई भी फीडबैक या कोई भी रिस्पांस सेंडर को नहीं मिलता. बिकॉज कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वन वे कम्युनिकेशन. एंड दिस कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू कन्वे द इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस ओनली. और इसके एग्जांपल्स हैं वन वे कम्युनिकेशन की, लाइक एंटरटेनमेंट, जो हम सॉन्ग सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, that is the example of one way communication. Then listening to the speeches, to jo hum speeches sun rahe hain, either from the television or live. Then watching movies, again it is the part of entertainment. Then listening radio, jo hum apni gaadi mein jaate aate radio sun rahe hain, fm station sun rahe hain, again that are the example of one way communication. Then public announcements एट द रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप एटसेट्रा. तो जो भी अनाउंसमेंट्स हो रही है बस स्टॉप्स पे, रेलवे स्टेशन पे, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ वन वे कम्युनिकेशन. हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम सिर्फ मूवीज देख रहे हैं थिएटर में, टेलीविजन पे, हम कुछ भी रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर पा रहे. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड वन वे कम्युनिकेशन. द नेक्स्ट कैटेगरी इज टू वे कम्युनिकेशन. The two-way communication is, it is the communication when one person is the sender and he transmits a message to another person who is the receiver. And when the receiver gets the message, they send back a response acknowledging the message was received. So one-way communication mein koi feedback nahi hai, but in two-way communication, the feedback is present from the receiver to sender. तो इसको टू वे इसलिए ही बोलते हैं
बिकॉज इसमें जो इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज है, सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है एंड रिसीवर से जो फीडबैक है वो सेंडर को मिल रही है. द कम्युनिकेशन इज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एज वेल एज फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल्स हैं टू वे कम्युनिकेशन की. कम्युनिकेशन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गुड एग्जाम्पल ऑफ टू वे कम्युनिकेशन. इंस्ट्रक्टर है वो ट्रेनिंग दे रहा है और जो ट्रेनीज हैं वो एज ए रिस्पॉन्स अपने इंस्ट्रक्टर को फीडबैक दे रहे हैं. तो अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्टर डिसाइड करता है कि वो चैप्टर है, वो पर्टिकुलर टॉपिक है, वो बच्चों को दोबारा करवाना है या नहीं करवाना है. मोबाइल कम्युनिकेशन, टेलीफोन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो ए टू वे कम्युनिकेशन. अगर हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो हमारी बात भी उन तक पहुंच रही है और रिसीवर की जो बात है, रिसीवर का जो रिस्पांस है वो भी हमारे तक आ रहा है. वॉकी टॉकी अनदर एग्जांपल ऑफ टू वे कम्युनिकेशन. क्लाइंट कम्युनिकेशन, हमें क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी बिजनेस डील के लिए, किसी ट्रेनिंग के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो योर टू वे कम्युनिकेशन बिकॉज हमें इमीडिएट जो फीडबैक है, इमीडिएट रिस्पॉन्स है वो मिल रही है. नेक्स्ट कैटेगरी इज वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल इज द लैटिन एडजेक्टिव ऑफ वर्ड. शब्द का मीनिंग ही वर्बल है. सो वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेटिंग विद वर्ड्स वेदर रिटन और स्पोकन. तो वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स जब भी हम अपने कम्युनिकेशन में शब्द इस्तेमाल करते हैं, शब्दों के द्वारा किया गया कम्युनिकेशन ही वर्बल कम्युनिकेशन. दैट मीन्स द कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड्स. तो शब्दों को हम बोलकर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, शब्दों को हम लिखकर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो इट इंप्लाइज द यूज ऑफ वर्ड्स विच मेक्स लैंग्वेज. इट इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेशन बाय यूजिंग वर्ड्स. जैसा मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज. कभी कभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ. सो द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द वर्बल कम्युनिकेशन. इसकी दो कैटेगरीज हैं जैसा कि आपको बताया है. वन इज द ओरल कम्युनिकेशन, द अनदर इज द रिटन कम्युनिकेशन. एंड ओरल कम्युनिकेशन मीन्स जो हम बोलकर बात कर रहे हैं. द ओरल कम्युनिकेशन इम्प्लाइज कम्युनिकेशन थ्रू माउथ. It includes individual conversing with each other, be it direct conversation, telephonic conversation, it may be speeches, presentations, discussions, all are the forms of oral communication. और जिस भी तरीके से हम किसी से बात कर रहे हैं, टेलीफोन के थ्रू डायरेक्ट बात कर रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, इंटरव्यूज में बैठे हैं, जहां जहां पे हम बोलकर बात कर रहे हैं, बोलकर कम्युनिकेट कर रहे हैं, the communication is called the oral communication. Another forms of oral communication are like face to face communication, interviews, a telephone conversation, grapevine. The grapevine is basically jab hum kisi se informal baat karte hain, jaise hum apne friend se baat karte hain without any formality, dear sir etc hum use nahi karte, that is called grapevine communication. सो नेगोशिएशन, कोई हम मोल भाव कर रहे हैं, मीटिंग्स, कोई लेक्चर है, स्पीच है, प्रेजेंटेशन है, तो कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. द नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन. सो रिटन कम्युनिकेशन मीन्स द सेंडिंग ऑफ मैसेजेस, ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग थ्रू लेटर्स, सर्कुलर्स, मैनुअल्स, रिपोर्ट्स, टेलीग्राम, ऑफिस मेमोज, बुलेटिन एटसेट्रा. तो जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, लिखकर अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, चाहे हम किसी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, चाहे हम किसी प्रकार की इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं, कोई हम किसी खास प्रकार का ऑर्डर निकाल रहे हैं, दैट आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए फॉर्मल मेथड, वेयर एज वर्बल समटाइम्स कॉल्ड द इनफॉर्मल.
Now another forms of written communication, like email is there, website, memorandums, letters, reports, maybe business, maybe academic report, the notices, minutes, circulars, manuals, handbooks, orders, inquiries, complaints, quotations, other contracts, newsletters, bulletin boards, etc. तो जहां जहां पे भी लिखकर अपनी बात कन्वे की जा रही है, that comes under the category of written communication. The next is non-verbal communication. तो जैसा कि बताया गया है, verbal communication means communication with the help of words. Now, what is non-verbal? So, non-verbal means communication without words. तो जहां पे हम बिना शब्दों का इस्तेमाल किए, बिना कोई शब्द बोले, बिना कोई शब्द लिखे अपनी बात कन्वे करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. दैट इज मींस वी आर कम्युनिकेट थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग द वर्डलेस. हम कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं. तो सम पीपल मे थिंक कि हाउ इट इज पॉसिबल कि हम बिना शब्दों के कैसे बात कर सकते हैं. So we also listen that, we know that the action speaks louder than words. Now there are some types of non-verbal communication. The gesture means the specific movements of hands, fingers. तो जो हम किसी खास उद्देश्य से अपने हाथों की या fingers की movement करते हैं, that is called the gestures. Like मैं अगर करूँ यहाँ पे, like this is one. Okay, two. There is no need to speak. अगर मैं ऐसा इशारा करूं, that means three, that means four, and even any other combination. So gesture means the movements of hand or the other fingers or other body movements for a specific purpose. And this called the one type of non-verbal communication. Then postures. Posture is the just way of sitting or standing. Like sometime hum fully confident state baithte hain, and sometime we are sitting like this. So our body definitely conveys some message. This is a non-verbal communication. Then facial expressions. Sometime we have a smile on our face, sometime we are sad. Our face also conveys the message to others. This is a non-verbal communication. Eye contact. Another example of non-verbal communication. The nodding, हम नोट कर रहे हैं, yes कर रहे हैं, like इस तरह कर रहे हैं, that means no. Okay. That is also a non-verbal communication. Means we are conveying our message without using the words. Now there are seven C's of effective communication. Basically हमारे कम्युनिकेशन, हमारे क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए, टीचिंग के लिए, हमारे डेली लाइफ के लिए जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. इस कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए देर आर सेवन सीज. बेसिकली दीज आर द सेवन लेटर्स दैट आर स्टार्टिंग विद द अल्फाबेट सी, लाइक करेक्ट, कंप्लीट, कंक्रीट, कॉन्साइज, कंसिडरेशन, कॉर्टियस, क्लियर. अगर हम इन वर्ड्स को अपने कम्युनिकेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा. चाहे वो हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन हो, चाहे वो हमारा रिटन कम्युनिकेशन हो, चाहे वो हमारा कोई ओरल कम्युनिकेशन हो, इट मे बी ए बिजनेस मीटिंग, इट मे बी ए मैनी अदर कम्युनिकेशन ऑफ अवर डेली लाइफ, इट मे बी ए टॉकिंग विद द बॉस और एनीथिंग. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन सेवन सीज को अपने कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व करें. नाउ व्हाट आर दीज सेवन सीज? लाइक द फर्स्ट सी स्टैंड्स फॉर द क्लैरिटी. द क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन. द एनी मैसेज नीड्स टू कम आउट clearly from your communication rather than the recipient having to assume things and coming back to you for more information.
सो आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप चाहे क्लास में पढ़ा रहे हैं, चाहे आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, योर मैसेज मस्ट बी क्लियर। उसमें किसी प्रकार की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि रिसीवर को कुछ चीजें अपने आप से एज्यूम करनी पड़े या फिर उसको दोबारा से आपके पास आना पड़े किसी क्लैरिटी के। जस्ट ट्राई कि आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर। अनदर थिंग इज डू नॉट ट्राई टू कम्युनिकेट टू मैनी थिंग्स इन वन मैसेज। दिस विल डाइल्यूट द अटेंशन ऑफ द रीडर। तो आपका जो मैसेज है ऑलवेज ट्राई टू कम्युनिकेट वन पर्टिकुलर टास्क इन वन मैसेज। अगर आप बहुत सारी चीजें मिक्सअप कर देंगे तो हो सकता है कि रिसीवर उनको समझ ना पाए, या फिर जो आप इम्पोर्टेंट कोई चीज उनको कन्वे करना चाहते हैं वो उसको भी एक्सेप्ट, उसको भी ग्रेस्ट ना कर पाए। सो डू नॉट ट्राई टू कम्युनिकेट टू मेनी थिंग्स। द नेक्स्ट इज कॉन्साइजनेस, गेट टू द पॉइंट। आपका जो मैसेज है इट मस्ट बी ए कंसाइज मैसेज। इसमें कोई भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। द कंसाइजनेस मींस फॉर्मिंग योर मैसेज विद मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल विदाउट इनवैलिडेटिंग द अदर सिक्स सीज। आपका मैसेज है उसमें गेट टू द पॉइंट होना चाहिए। जो शब्द हैं वो कम से कम होने चाहिए। कम से कम का मतलब ये नहीं कि हम जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कोई हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दें। वी ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ द अदर सीज। द थिंग इज कि वी हैव टू नॉट टू इंक्लूड द इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। और जिस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है वो इंफॉर्मेशन आपके मैसेज में नहीं होनी चाहिए। द कंसाइज मैसेज इज ऑल्सो मोर अपीलिंग and comprehensible, and it will save the time both to you and your audience. Natural है, अगर आपका message concise है, get to the point है, तो है वो आपका भी time save करेगा और आपकी audience का time भी save करेगा, and आपके जो message है, जो बात आप convey करना चाहते हो, उसको more effectively convey करेगा। यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कंसाइजनेस की। जस्ट लुक एट द फर्स्ट वर्डी मैसेज, द रेड कलर मैसेज, वर्डी मैसेज। द विल यू शिप अप दिस टाइम एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर वुड बी फाइन, और इवन नवंबर इफ यू आर रश्ड, नवंबर वुड सूट अस जस्ट एज वेल, इन फैक्ट ए लिटिल बिट बेटर। द 300 ऑफ द रेगुलर 3x15 inches blue armbands with white sewn letters in the center. Thank you in advance by sending this along to us by parcel post and not express, as express is too expensive. The message is wordy. Even the message is not so much clear. एक बार में पढ़ने से समझ नहीं आ रहा, इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसको 2-3 बार आप इसको इस मैसेज को रीड करेंगे देन आप समझ आएंगे। द बेसिकली द सेंटर वांट टू से कि हमें आप क्या, हमें आप जो 300 रेगुलर 3x15 के जो ब्लू आर्म बैंड्स हैं क्या वो हमें अक्टूबर या फिर नवंबर से पहले आप हमें भेज सकते हैं। और साथ ही द रिसीवर कह रहा, सेंटर कह रहा है कि जस्ट सेंड अस बाय द पार्सल पोस्ट, एक्सप्रेस से ना भेजिए, जो एक्सप्रेस है वो एक्सपेंसिव। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिट जस्ट लुक एट दिस कंसाइज मैसेज। द प्लीज शिप पार्सल पोस्ट बिफोर द एंड ऑफ नंबर 300 रेगुलर 3x15 inch ब्लू फेल्ट आर्म बैंड्स विद वाइट स्वन लेटर्स इन द। बिल्कुल क्लियर मैसेज है, एक बार में ही जो सेंटर की बात है वो कन्वे हो रही है, क्लियर हो रही है कि प्लीज शिप पार्सल पोस्ट, नवंबर से पहले हमें पार्सल पोस्ट कर दीजिए।
300 regular 3x15 inch blue felt R bands with points letters in the center. Now when you compare these two messages, आप देख सकते हैं कि पहला message है वो ज़्यादा clear नहीं है, concise नहीं है. तो next message है वो concise भी है, clear भी है, and इसमें number of words भी कम use हुए हैं. And as well as जो message है जो center कहना चाहता है उस बात को भी ये better way में convey कर रहा है. The next C stands for the concreteness. The message must be specific instead of generalization. आपका जो मैसेज है उसमें कुछ फैक्ट हैं, स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं, वो होने चाहिए. कोशिश कीजिए कि आपका जो मैसेज है वो एक जनरल मैसेज ना हो. The concrete message is like a fact sheet put to words. यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन 2019 द एवरेज स्कोर ऑफ ए ट्रेनी इन इंग्लिश इज हायर. तो ये एक जनरल मैसेज है, इसमें कन्वे नहीं हो रहा कुछ भी. एक जनरल बात की जा रही है कि जो ट्रेनी है उनका जो एवरेज स्कोर है वो 2019 में ज्यादा आया है. नाउ लुक एट द अनदर मैसेज which is concrete, more concrete as compared to the first message. In 2019, the average score of a trainee in English is 60, whereas it was 52 and 48 in 2018 and 2017. The message hai bilkul clear hai, concrete hai ki jo 2019 mein jo trainees ka score hai wo 60 hai, जबकि वो 2018 एंड 17 में 52 एंड 48 था. तो अगर आप कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, उसमें आप कुछ फैक्ट दे रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन रिसीवर के माइंड में ज्यादा टाइम तक स्टोर रहती है. इट इज ए साइकोलॉजिकल फैक्टर एज कंपेयर टू द कि अगर हमें कोई जनरल बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस. No necessary information is missing. It's a very important thing. A complete message should convey all facts required by the audience. The sender of the message must take into consideration the receiver and should communicate all the facts that are required, that are relevant to the message. तो आपका जो message है वो बिल्कुल complete होना चाहिए. किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन है वो मिस नहीं होनी चाहिए. अगर हम क्लास में टीच कर रहे हैं, किसी मशीन के बारे में टीच कर रहे हैं, तो उस मशीन के बारे में उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी जो उसके पैरामीटर्स हैं, उससे कंपोनेंट्स हैं, द मैसेज मस्ट बी कंप्लीट. अगर हम किसी को कोई लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर में भी हमने अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है, लाइक अगर हमने किसी को इंटरव्यू पे कॉल करना है, तो इंटरव्यू का क्या टाइमिंग है, क्या इंटरव्यू का वेन्यू है, कितने टाइम तक इंटरव्यू चलना है, कैंडिडेट्स को किस प्रकार की प्रिपरेशन है रहने के लिए, बोर्डिंग लॉजिंग की करके आनी है, एटसेट्रा, ताकि रिसीवर को आपके पास दोबारा से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश जो रिक्वायरमेंट ना. योर मैसेज मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल द एस्पेक्ट्स. Next, correctness. The 6C stands for correctness, facts and proofreading. The correctness refers to both factual and linguistic accuracy. All the information you provide needs to stem from valid, reliable and credible sources that can be located. ये बहुत important है. हम जब भी किसी से हम कोई बात कर रहे हैं, किसी से कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, हम क्लास में टीच कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, तो जो भी हम इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, द इंफॉर्मेशन मस्ट बी करेक्ट एंड द इंफॉर्मेशन मस्ट बी टेकन फ्रॉम द वैलिड क्रेडिबल रिसोर्सेस.
तो आपके पास उस चीज का एक प्रूफ होना चाहिए, यू मस्ट बी एंश्योर दैट कि आपने वो इंफॉर्मेशन कौन से रिसोर्स से, कहां से वो इंफॉर्मेशन आपने ली है। लाइक मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू टीच कर रहा हूँ, द वॉट एवर द आई हैव रिटन इन द स्लाइड्स आई हैव टेकन फ्रॉम द रिलायबल एंड वैलिड रिसोर्सेज। The next C stands for the courtesy. The courtesy in the message implies that the message should show the sender's expression and as well as should respect the receiver. The message should not be biased. तो courtesy का the meaning है शिष्टाचार। तो आपके message में, आपके speaking में शिष्टाचार है वो होना चाहिए। अपने आप ऑडियंस से बात कर रहे हैं, द मस्ट यूज द एक्सप्रेशंस लाइक डियर सर, डियर मैम, डियर स्टूडेंट्स, डियर ऑडियंस, यू मस्ट हैव टू गिव द रिस्पेक्ट टू द ऑडियंस। एंड सेकेंडली, आपका जो मैसेज है वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ, किसी पर्टिकुलर क्लास की तरफ आपका जो मैसेज है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। आपका मैसेज है, आपकी बात है, आपका कम्युनिकेशन है, इट मस्ट बी न्यूट्रल, इट मस्ट बी अनबायस्ड कम्युनिकेशन। द लास्ट सी स्टैंड्स फॉर द कंसीडरेशन, द स्टेपिंग इनटू द ऑडियंस शूज, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो जब भी हमने कम्युनिकेशन करना है, जब भी हमने कोई मैसेज कन्वे करना है, हमने कोई स्पीच देनी है, मस्ट हैव टू स्टेपिंग इनटू द ऑडियंस शूज। हमें पता होना चाहिए जो ऑडियंस है वो किस लेवल की, ऑडियंस को हमारे टॉपिक के बारे में, हमारी स्पीच के बारे में कितनी प्रीवियस नॉलेज है। You must have some idea of that. The message is written, speak from the viewpoint of the audience. It requires some thinking about what the audience knows or does not know. तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, हमें एक जजमेंट, एक आइडिया होना चाहिए कि ऑडियंस को हमारे टॉपिक के बारे में, हमारे स्पीच के बारे में कितनी नॉलेज है या नहीं है। तो अकॉर्डिंगली ही हमें अपनी स्पीच, अपना मैसेज है वो प्रिपेयर करना चाहिए और कन्वे करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ यू प्रिपेयर ए सेमिनार अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू विल नीड टू प्रोवाइड वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन to the trainees of cosmetology, but you can skip the same for the trainees of computer related trades. तो अगर हम एक programming language का seminar तैयार कर रहे हैं, अगर हम वो seminar cosmetology के students को या फिर fashion design के students को या फिर किसी और non-engineering trade के students को दे रहे हैं, तो हमें कंप्यूटर से रिलेटेड तो बिल्कुल छोटी से छोटी जानकारी है, वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो भी अपनी स्पीच में हमें ऐड करनी पड़ेगी। तभी जो ट्रेनीज हैं, तभी जो ऑडियंस हैं, वो आपकी स्पीच को, आपके मैसेज को समझ पाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड, वी कैन स्किप दिस इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रेनीज ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड ट्रेड्स। अगर कोई दूसरे ट्रेनीज हैं जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए हमें बेसिक इंफॉर्मेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दैट मींस कि व्हेनेवर वी प्रिपेयर द सेमिनार, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्पीक एनीथिंग, वी हैव टू कंसीडर द ऑडियंस। दिस इज अबाउट द सेवन सीज। द नेक्स्ट इज द लिसनिंग स्किल्स। द लिसनिंग स्किल्स अगेन आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर हम लर्निंग की बात करें, तो लर्निंग में जो फर्स्ट पैरामीटर है
फर्स्ट स्टेप है, दैट इज द लिस्टिंग। अच्छा सीखने के लिए अच्छा सुनना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपनी मदर टंग अपने आप सीख जाते हैं, पंजाबी हिंदी हमें सिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हम अपने आसपास आस पड़ोस को अपने पेरेंट्स को सुन सुनकर सीख जाते हैं। सिमिलरली जो फॉरेन के अब्रॉड के यूएसए कनाडा के चाइल्ड हैं वो इंग्लिश सीख जाते हैं। वो सीखते कैसे हैं? बिकॉज हम अपने पेरेंट्स को हम अपने आसपास को सुनते हैं, तो इसलिए वी कैन से लिसनिंग इज द बैकबोन ऑफ एनी लर्निंग। तो लिसनिंग है क्या? द लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेजेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट इज द की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Without the ability to listen effectively, the messages are easily misunderstood. The effective listening is a skill that underpins all positive human relationship. So listening क्या है? हमारी एक योग्यता है किसी मैसेज को सुनने की, एंड इंपॉर्टेंटली उस मैसेज को समझने की। Hearing versus listening, hearing और listening में काफी डिफरेंस है, बोथ आर अपोजिट। व्हाट इज हियरिंग? हियरिंग इज सिंपली द एक्ट ऑफ परसीविंग साउंड्स बाय द ईयर। इट इज जस्ट ए फिजिकल एक्टिविटी। तो हियरिंग का मतलब है जो हम आवाजें सुन रहे हैं, व्हीकल की आवाजें आ रही हैं या किसी और प्रकार की डिस्टरबेंस आ रही है, दैट इज कॉल्ड द हियरिंग। नाउ व्हाट इज लिस्निंग? द लिस्निंग इज ए कॉन्शियस एक्टिविटी। इट इज समथिंग यू कॉन्शियसली चूज टू डू। It requires concentration so that your brain process meaning from words and sentences. So hearing है उसको हम कह सकते हैं कि automatic activity है, but जो listening है एक conscious और attentive activity. And listening leads to learning, not hearing. So effective listening के लिए, अच्छे listening के लिए three parameters हैं. That are the attitude, attention, and adjustment. That is also called triple A listening. The attitude means कि हमारा जो attitude है वो positive होना चाहिए। हमें ये assume नहीं करना चाहिए कि lecture है boring होगा, speaker है उसकी बात हमें समझ नहीं आएगी। हमें pre-assume नहीं करना चाहिए। We must have a positive attitude towards any lecture or any speaker. The next is attention. Attention means हमें जो लेक्चर है जो स्पीकिंग है उसके ऊपर फुल फोकस करना है और हमें पूरा अटेंशन रहकर वो लेक्चर वो स्पीच सुननी है, उसको इंटरप्रेट करना है। अगर हम अटेंटिव होके कोई लेक्चर सुनेंगे कोई स्पीच सुनेंगे तो वो शॉर्ट मेमोरी से हमारी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाए। थर्ड इज द एडजस्टमेंट। So we must be adjustable. तो sometime क्या है, हम कहीं जगह बैठे speech सुन रहे हैं lecture सुन रहे हैं तो वहां पे physical atmosphere इतना अच्छा नहीं है, distractions हैं, जो presentation style है वो अच्छा नहीं है। So we must be adjustable. Like for example अगर हम एक bus में travel कर रहे हैं तो bus में बहुत सारी disturbance हो रही होती है, but still हम मोबाइल पे अगर हमने वीडियो देखनी है ऑडियो सुननी है फिर भी हम सुन लेते हैं। सो वी मस्ट बी एडजस्टेबल फॉर ऑल द काइंड ऑफ लिस्निंग और ऑल द काइंड ऑफ स्पीचेस। सम टिप्स हैं एक्टिव लिस्निंग के। स्पीकर को फेस करें, मेंटेन द आई कॉन्टेक्ट विद द स्पीकर, मिनिमाइज एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। अगर आपका मोबाइल फोन है तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, टेलीविजन है उसको बंद कर दीजिए। मिनिमाइज इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, अगर आपका माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको होने ना दे, एंड बी कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक। वेट फॉर द स्पीकर टू कंप्लीट व्हाट ही वांट टू से। कभी भी प्री जजमेंट ना करें, पहले स्पीकर को अपनी बात खत्म करने दें। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग आस्क द क्वेश्चंस। लास्ट
slide is for the barriers to effective communication. So sometimes हमारी 7C हमने communication में involve कर लिए, हमारी जो listening skills है वो भी अच्छे हैं, but still कुछ barriers हैं, कुछ बाधाएं communication में आ जाती हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि वो barriers कम से कम हो. Barriers क्या हैं? Sometimes language barriers are there, हमें speaker की जो है भाषा है वो समझ नहीं आती. Sometimes physical barriers are there, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे प्रॉपर जो वेंटिलेशन है वो नहीं है, बैठने की स्पेस है प्रॉपर नहीं है, बाहर से डिस्टरबेंस आ रही है, तो इसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं रहता. समटाइम मे बी कल्चरल बैरियर्स मे बी देयर, एक ट्रेनिंग है किसी पर्टिकुलर कल्चर का, पर्टिकुलर बिलीफ का, पर्टिकुलर रीजन का, वो एकदम से नॉर्थ से साउथ एरिया में चला गया ट्रेनिंग लेने, तो वहाँ से एक मेंटल बैरियर बन जाता है. That is related to the cultural barrier, physiological barrier. Sometime हमारी जो health है वो allow नहीं करती. We are sick. Sometime we are not physically able to read or understand the videos. So that are the physiological barriers. तो communication में हमने कोशिश करनी है कि हमारे जो barrier हैं वो कम से कम हो. We have to try to minimize the barriers. So this is about the basics of communication skills. Hope you people enjoy the video. At last, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी country, पूरा world, COVID के साथ, corona के साथ fight कर रहा है, तो हमारी भारत सरकार ने, government ने एक app launch की है, आरोग्य सेतु app. मेरी आप सबसे request है कि आप इस app को अपने phone में install करें. ये app आपको COVID के बारे में आपको जानकारी देगी, सो दैट आपको जो रेड अलर्ट एरियाज हैं, रेड जोन एरियाज हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देगी, तो जिससे कि है हम भी सेफ रहेंगे, हमारी फैमिली सेफ रहेगी और हमारी कंट्री सेफ रहेगी. तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर.